जिले के नोडल अधिकारी एडीजी एटीएस डीके ठाकुर की अध्यक्षता में रविवार को जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक एनेक्सिस सभागार में संपन्न हुई। बैठक में एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता, एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुम, एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव, एसपी नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे, एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा, सीओ कोतवाली वीपी सिंह, सीओ कैंट सुमित शुक्ला, सीओ गोरखनाथ प्रवीण कुमार सिंह, सीओ कैंपियरगंज दिनेश कुमार सिंह, सीओ चौरी चौरा रचना मिश्रा, सीओ खजनी योगेंद्र किशन नारायण, सीओ गोला श्यामदेव, बांसगांव नितेश सिंह, सीओ एलआईयू अरुण कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में एडीजी एटीएस डीके ठाकुर ने कोविड-19 को लेकर थानों में स्थापित कोविड हेल्प डेस्क को और अधिक प्रभावी बनाने के साथ टॉप 10 अधिकारियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। एडीजी एटीएस डीके ठाकुर ने कहा कि अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाया जाए। बैठक के बाद गोरखपुनी से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, जैसा कि आपको पता ही आज सरकार को दिशा निर्देश देने के लिए और हम लोग सर वहाँ से करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं सरकार स्वागत करता हूँ और मीडिया वालों से अनुरोध करूँगा कि वो अपना एक सेशन करके करने को अधिकारी किसी और मीटिंग में साथ थे, सब कोई नए अधिकारी आए हैं। और सब पुरानी नोडल अफसर शासन के निर्देशक के अनुरूप हमारे यहाँ गोरखपुर में एडीजी एटीएस साहब आए हुए हैं और वो तरह तरह की जो भी समीक्षा बिंदु हैं उन पर समीक्षाएँ की गई हैं और इसमें शासन की प्राथमिकताओं के निर्धारण से लेकर के और जो भी हमारी कार्रवाई है उसकी समीक्षा की गई है। और इसमें हमारे को कोशिश यही है कि जो कोरोना है, टॉप 10 है, इस तरह की जो बाकी जो एजेंडा बिंदु थे उन पर सभी पर चर्चा की गई और हमें दिशा निर्देश दिए गए हैं। सर, थानों के साथ भी बैठक हुई है सभी सीओ जी? वो उसमें दो थानों का इंस्पेक्शन था, दो थानों में रूरल और एक अर्बन थानों में जाकर के सर ने देखा है और काफ़ी हद तक के काम को समझा है और सराहा है कि संतोषजनक पा है। और साथ ही साथ इसमें कोरोना को लेकर के जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं, जो कोविड हेल्प डेस्क वगैरह बनाई गई, उन सबको भी देखा गया। और गोरखपुर पुलिस लगातार इसमें चाहे वो अपराध का क्षेत्र हो, चाहे कोरोना का क्षेत्र हो, सभी में कार्य कर रही है और हम अच्छे से आगे भी डिलीवर करते रहेंगे, जनता की आकांक्षाओं पे उतरेंगे।